माइक बंद कर दे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि दूसरे जो दीगर माइक जितने भी है वो बंद कर दे। अनुशासन की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। संविधान अगर सबसे पहले हमें कोई चीज सिखाता है तो वो है अनुशासन। भी बार भी अगर कोई चीज सिखाती है तो वह अनुशासन। कृपया इस बात का ख्याल रखे कि भैया चंद्रशेखर आजाद जी आपके लिए आए हैं, आपके समक्ष आए हैं। आप अनुरोध है कि अनुशासन का परिचय दीजिए। ये दीजिए कि खिलाफ विरोध कितने अनुशासन थे, ये बताइए कि खिलाफ विरोध कितने अनुशासन थे। आप लोगों से अनुरोध है कि दूसरे लोगों को ही मत दीजिए। पार्टी के जो माइक है वो बंद कीजिए। जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जितने लोगों से आपने प्रतीक्षा की है, वो घड़ी आप आपके समूह आपके समक्ष आ चुकी है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, शोषितों के मतिया, गरीबों के मतिया, दलितों के मतिया, ओबीसी एससी 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 माइनॉरिटी के मतिया, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे और आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। एक बार तालियों की जगह आपसे उनका स्वागत कर लीजिए। उन्हें बता दीजिए कि कितनी बेसब्री से आपको एक इंतजार था, आप कितनी माफा उनसे करते हैं। कृपया करके अनुशासन को बनाए रखिए। पुलिस व्यवस्था बनी हुई है, प्रशासन को अपना काम करने दे। मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि थोड़ी सी जगह में पीछे वाले लोगों को बैठने के आप ही लोग प्लीज बैठ जाए तो आप जल्दी भैया मंच पर आएंगे, संबोधित करेंगे आप लोगों को। लेकिन प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि बैठ जाए आप लोग भी बैठ जाए पीछे वाले साथी भी बैठ जाए, आगे वाले भी बैठ जाए। आगे वाले साथियों प्लीज बधाई करो, मेहरबानी करके आपकी इज्जत का सवाल है, हम लोगों की इज्जत का सवाल है, अनुशासन का सवाल है। बधाई करो, बाबा साहब की अनुशासन को दिखाए, हम लोग दिखाएंगे निर्माण के अनुशासन को। मॉनिटर अपना अपना काम करा रहे। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्रशासन और मीडिया के जितने भी लोग हैं वो सब अपना अपना काम करें। बाकी हमारे जितने भी वॉलेंटियर हैं वो अपना काम करें और जो दीगर साथी है वो सभी व्यवस्थाओं को संभालने का काम करें। प्लीज आप लोग बैठ जाए मंच पर भैया आएंगे, अनुशासन को बनाए रखने का काम करें। विनीत कुमार से मैं अनुरोध करूंगा, जिला अध्यक्ष है विनीत कुमार, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को भैया बनाने में। इनकी उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके सफल कार्यक्रम भैया और विनीत कुमार और उनके साथियों ने सहयोगियों ने किया है। मैं चाहूंगा कि वो लिस्ट जिसमें भैया सम्मानित करेंगे मेरा भी छात्र होगा। मैं आपको कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बता देता हूँ। वो लोग जिनको भैया सम्मानित करेंगे मेधावी छात्र, विक्रम सिंह, सरोज किशन पाल, दशा सिंह, सरोज गुप्तम सिंह, शक्तिमान, सरोज बबलू, अरुण कुमार, ऋषभ, प्रिंस कुमार, सुचन कुमारी, आकांक्षा सिंह और प्रिंस कुमार और दीपेश कुमार, ये जो नाम मैंने लिए हैं ये उनके नाम है जो मेधावी छात्र हैं। इन मेधावी छात्रों को भैया ने अपने समक्ष बुलाया है। आप लोग मंच पर हैं, इन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ मुकेश सिंह का, सुरेश किशन पाल, अश्वनी सिंह, सरोज उत्तम सिंह, शक्तिमान, सरोज पवनू सिंह, अरुण कुमार, सरोज विजयपाल सिंह, ऋषभ, सरोज बनपाल सिंह, प्रेम कुमार, सरोज हितेश सिंह, कंचन कुमारी, सरोज अशोक सिंह, आकांक्षा सिंह और सरोज उत्तम सिंह, प्रेम कुमारी। ये लोग मंच पर आया उससे सबसे पहले भैया जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा पर उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण कर रहे हैं। भैया एक ये मनमोहन नजारा आप लोग भैया जो है माल्यार्पण कर रहे हैं और मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा माहौल को बनाए रखे, व्यवस्था को बनाए रखे और जो नाम मेरे लिए है उन नामों की जो भी पार्टी है और लोग की तरफ प्रसिद्ध है। आपके जो दल का चुनाव था वो गरीब आ गई है भैया, बहुत जल्दी आप लोगों को संबोधित करेंगे। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मंच की व्यवस्था बनाए रखें और आप लोग प्लीज बैठ जाए, पीछे वाले और आगे वाले साथी को पक्षियों की तरफ प्लीज बैठ जाए। अगर आप लोग नहीं बैठेंगे खराब हो जाएगी। मीडिया के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा मैं चाहता हूँ कि विनीत कुमार अपनी टीम के साथ, विनीत कुमार, श्रीमान सिंगम, अर्पित कुमार अपने और किसान भाई अपने जो भी साथी है विनीत कुमार की टीम के साथ में, विनीत भाई, विनय पुष्कर जी और जितने भी साथी है विनीत कुमार वाली टीम के वो सभी लोग आ जाए। हम चाहते हैं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के गले में माल्यार्पण कर उनका एक बार स्वागत कर लें। विनीत कुमार
मेरे पुष्कर जी, अर्पित सिंह, पिंटू भाई बड़ोदा जी हमारे साथी और जो भी साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं माधव के साथ में उनसे अनुरोध करूंगा कि विनीत कुमार के साथ में पूछ जाए और सुमाला के साथ में भैया का माल्यार्पण कर उनका स्वागत है। ये तस्वीर बहुत मनमोहक है और बिहार की ऐतिहासिक तस्वीर ये बात बनने जा रही है और नौजवानों के शिक्षा भाई लोगों के चंचे कराता बिहार के मैदान पर है। भैया लोग प्रोफेसर बोवारी जी से मेरा अनुरोध है कि मंच की तरफ चले आए और भैया वो रोक रहे हैं, उनको सामने आने दीजिए। बोलेता जो है प्रोफेसर बोवारी जी को आने दे, हाथ हिला रहे प्रोफेसर बोवारी जी को आने दे। बोलेता जो नाम अपना प्रोफेसर बोवारी जी बनाया उन्हें आने दे। और मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि व्यवस्था जो है अनुशासन और हमने अनुशासनहीनता करने वालों को हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं तो बेहतर है कि हम लोग अनुशासन में रहें, अनुशासन को बनाए रखें। अब इसके बाद माल्यार्पण हो चुकी है तो नाम आपको बताए गए विक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह, शक्तिमान, अरुण कुमार, सब प्रियुष कुमार, कंचन कुमार, आकांक्षा सिंह, प्रियुष कुमार और नीतीश कुमार, इन लोगों को वॉलेंटियर आने दो भाई, आने दो। मैं सीधा भैया ने बनाया उनको और भैया उनको सम्मानित करेंगे, वो मेधावी छात्र छात्रा है हमारे क्षेत्र की, उनको आने दो। मैं नाम बता रहा हूँ विक्रम सिंह, अश्वनी सिंह, शक्तिमान, अरुण कुमार, ऋषभ, दिनेश कुमार, कंचन कुमारी, आकांक्षा सिंह, दिनेश कुमार और दीपेश कुमार। भैया आप लोग, भैया आप लोगों को सम्मान करेंगे, आप लोग कृपया करके मछली का समाधान। मैं आप लोगों से कई बार अनुरोध कर चुका हूँ कि आप लोग बैठ जाए, कुर्सी वाले बैठ जाए। भैया भैया आगे वाले बैठोगे तो पीछे वाले भी बैठ जाए, मेहरबानी करके बैठ जाइए। अब तो भैया ही होंगे। मैं फिर एक बार उन मैदानी छात्र छात्राओं के बाद मेरा हूँ, मैं चाहता हूँ पाठशाला में शिलान्यास का जो पत्थर है यह भी ले गया है, शिलान्यास का जो घर है ईमानी पाठशाला में मैं भी विनीत कुमार ले आया मंत्री का भैया का नागर बनेंगे और भीम आर्मी पाठशाला भी खुल जाएगी आज से और क्षेत्र में भीम आर्मी पाठशाला और शिक्षा का प्रचार होगा, छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा। ये भीम आर्मी की एक योजना है जो क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद जी शुरू करने आए, शुभारंभ करने आए हैं।